किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं, चाहे वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड पर बेइंतहा प्यार और भरोसा किया करती है, मगर इसकी इतनी बड़ी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ी जिसकी कल्पना उसने भी कभी नहीं की थी। 2006 में घटी इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। प्यार से शुरू होकर हैवानियत की इंतहा तक पहुंचने वाली इस पूरी कहानी के बारे में जब आप जानेंगे तो यकीन माने आप भी शॉक हो जाएंगे। तो आखिर क्या है आज की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इस पूरी कहानी में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल अनोखा जुर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के अंतर्गत रहने वाली आरजू चौहान नाम की एक लड़की की है। घटना के समय यानी 2016 में आरजू की उम्र यही कोई 21 साल की थी तथा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स के फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। आरजू लगभग 9 बजे डेली सुबह कॉलेज आया जाया करती थी और फिर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपने घर चली जाया करती थी। रोज़ की तरह 2 फरवरी 2016 को भी आरजू घर से कॉलेज के लिए निकली थी। आरजू के घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, मगर घर वालों को तब थोड़ी फिक्र होने लगती है जब वो देखते हैं कि आरजू के वापस आने का समय हो गया है मगर अब तक आरजू कॉलेज से वापस नहीं आई है। शाम ज़्यादा होने पर आरजू के माता पिता जो हैं वो आरजू के कुछ जानने वाले दोस्तों से फ़ोन कर आरजू के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग भी कहते हैं कि उनको आरजू के बारे में कुछ नहीं पता। शाम ज़्यादा होने के कारण आरजू के माता पिता अपने कुछ और जानने वालों को फ़ोन करते हैं तथा उनसे आरजू को ढूंढने में मदद करने की अपील करते हैं। इस तरह कई लोग मिलकर आरजू की तलाश में लग जाते हैं, मगर पूरी रात तलाश करने के बाद भी ना तो आरजू का कोई अता पता चलता है और ना ही आरजू घर वापस आती है। अब अगली सुबह यानी कि 3 फरवरी 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाकर अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं। यहाँ आकर आरजू के बारे में उन्हें कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिसके बारे में शायद उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। आरजू के दोस्तों तथा कॉलेज रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरजू रोज़ कॉलेज तो आती थी मगर वो सिर्फ 9 बजे से 10 बजे के बीच एक क्लास करके कॉलेज से बाहर निकल जाती थी। फिर वो 1 से 2 बजे के बीच होने वाली एक क्लास के लिए ही कॉलेज वापस आती थी। माता पिता के लिए ये खुलासा थोड़ा हैरान करने वाला था, मगर ये सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन आरजू के माता पिता की मुलाकात आरजू के कुछ दोस्तों से करवाते हैं। उनसे पता चलता है कि अक्सर 10 बजे तक क्लास ख़त्म करने के बाद आरजू कॉलेज के बाहर निकल जाती थी। यहाँ एक लड़का आरजू को रिसीव करने आता था। इस बारे में जब और इंक्वायरी की जाती है तो आरजू के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि आरजू ने एक दो बार उस लड़के के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया था कि इसी से उसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद मामले की जानकारी मॉडल टाउन थाने को दे दी जाती है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी कॉलेज आते हैं। यहाँ आकर वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कॉलेज से निकलकर आरजू किसी लड़के के साथ कार से जा रही थी। आरजू के माता पिता जो हैं उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के तौर पर कर लेते हैं। 23 साल का नवीन खत्री आरजू के ही पड़ोस में रहता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि दरअसल आरजू और नवीन आसपास में ही रहते थे। यहीं आसपास में रहते हुए इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है।
आगे चलकर यही दोस्त प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ मिलकर जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और बहुत ही जल्द शादी करने का वादा भी कर लेते हैं। दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बताने का फैसला करते हैं। दोनों को लग रहा था कि शायद परिवार वाले आसानी से इस रिश्ते के लिए मान भी जाएंगे, मगर होता कुछ अलग है और उम्मीद से कुछ अलग ही निकलता है। आरजू के परिवार वाले तो थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के परिवार वाले इस प्रस्ताव को तुरंत नकार देते हैं। पुलिस के जांच में आगे खुलासा होता है कि दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू राजपूत थे। नवीन के परिवार वाले उन्हें बेटे के लिए एक जाट लड़की ही चाहते थे, इसलिए वो इस रिश्ते को नकार देते हैं। नवीन के जो परिवार वाले होते ना सिर्फ इस रिश्ते के लिए मना करते हैं, बल्कि वो नवीन को सख्त हिदायत भी देते हैं कि वो आज के बाद आरजू से मुलाकात भी नहीं करेगा। नवीन परिवार वालों की बात मान लेता है और आरजू से बातचीत करना तथा मिलना जुलना बंद कर देता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है तथा परिवार वाले और परिवार वालों की नज़रों से छिपकर दोनों मिलना जुलना जारी रखते हैं। इधर इन दोनों के बीच मुलाकातों का दौर जो है वो चलता रहता है, मगर नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक दूसरी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। कुछ समय की मेहनत के बाद अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। सब कुछ फाइनल होने के बाद तय किया जाता है कि 4 फरवरी 2016 को नवीन की शादी कर दी जाएगी। जांच में सामने आता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और फिक्स हो गई थी, मगर वो फोन के जरिए लगातार आरजू के संपर्क में बना हुआ था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे, इसलिए पुलिस वाले नवीन को ही सस्पेक्ट मानते हुए उसकी तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम जल्द ही मोबाइल फ़ोन के जरिए नवीन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, मगर नवीन का मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आता है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पर ही दिखाई देती है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो पता चलता है कि नवीन की तो 4 फरवरी 2016 को ही शादी हुई है और अब वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने के लिए देश के बाहर जा रहा है। पुलिस वाले तुरंत पता लगाते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही नवीन को नई दुल्हन के साथ अपनी हिरासत में ले लेते हैं। यहाँ से नवीन को थाने लाया जाता है और आरजू के संबंध में उससे पूछताछ स्टार्ट कर दी जाती है। शुरू में तो नवीन कहता है कि कई महीने पहले ही आरजू से उसका संपर्क खत्म हो चुका है, मगर जब पुलिस वाले सारे सबूत नवीन को दिखाते हैं तो नवीन मान लेता है कि वो कॉन्टैक्ट में है और 2 फरवरी को वो आरजू से मिला भी था, मगर कुछ ही देर बाद रास्ते में वो उसकी कार से उतर कर कहीं और चली गई थी। पुलिस को नवीन की ये बात हजम नहीं होती और वो अब शक के साथ और सख्ती के साथ उससे पूछताछ करते हैं। पुलिस वालों की सख्ती के आगे नवीन की सारी चालाकी फेल होने लगती है और वो एक के बाद एक नए खुलासे करने लगता है, जिससे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नवीन बताता है कि वो भी अपने परिवार वालों की मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था, मगर आरजू को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो लगातार नवीन पर शादी करने के लिए दबाव बनाती रहती है। नवीन के मुताबिक वो आरजू के कहने पर ही आरजू से मिलता जुलता रहता है। ऐसा होते होते नवीन की शादी का दिन भी करीब आ जाता है। नवीन के मुताबिक जब वो अपने रिश्तेदारों को अपनी शादी का कार्ड बांटने के लिए जा रहा था, तभी एक बार फिर से आरजू उसे मिलने के लिए बुलाती है और 2 फरवरी को नवीन के साथ निकल जाती है। नवीन के मुताबिक जब ये दोनों कार्ड बांटने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कार के अंदर ही शादी की बात को लेकर ही आरजू तथा नवीन में तेज बहस होने लगती है। इसी बहसबाजी के बीच नवीन आरजू के गले में लटक रहा दुपट्टा पकड़ लेता है और वो तब तक उस दुपट्टे को खींच कर रखता है जब तक कि आरजू का शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता। नवीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे समझ ही नहीं आता कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहता है। फिर सोचने के बाद वो लाश को कार में ही रखता है, सुनसान इलाके में चला जाता है तथा वो लाश को जलाने की कोशिश करने लगता है।
मगर लाश जब आसानी से नहीं जलती है तो उसे पकड़े जाने का डर लगने लगता है और एक बार फिर से वो लाश को अपनी कार के पिछले हिस्से में रख लेता है। पकड़े जाने के डर के बीच वो आरजू की लाश को कार में ही रखकर कार्ड बांटने के लिए निकल जाता है और अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड देकर एक बार फिर से लाश को ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लग जाता। पुलिस की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक जब नवीन को लाश ठिकाने लगाने का कोई आइडिया नज़र नहीं आता है तो वो तय करता है कि वो अपने 4 मंजिला घर में ही आरजू की लाश को छिपाएगा। प्लान के मुताबिक नवीन ऐसा ही करता है और वो रात भर इधर उधर समय काटने के बाद सुबह के लगभग 5 बजे अपने घर पर पहुंचता है। चूँकि आरजू की लाश भारी थी इस कारण वो अकेले लाश को उठाकर घर ले जाने में सफल नहीं हो पाता है, इसलिए वो कुछ पैसे देकर पास में ही कबाड़ी का काम करने वाले एक लड़के को मदद के लिए बुला लेता है और उसकी मदद से लाश को उसी कमरे में लाकर वेंटिलेशन शाफ्ट पर छुपाकर रख देता है जिस कमरे में वो शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था। इस तरह 3 फरवरी की सुबह सुबह नवीन लाश को कमरे में छुपा देता है और इसकी भना किसी को भी ना लगे इसलिए वो पूरे घर में लगातार परफ्यूम छिड़कता रहता है। नवीन तो अपना गुनाह छिपाने के लिए परफ्यूम छिड़क रहा था मगर घर वालों को लगता है कि वो अपनी शादी की खुशी में लगातार घर में खुशबू छिड़क रहा। इधर आरजू की लाश घर में पड़ी हुई थी, उधर प्लान के मुताबिक ही 4 फरवरी को नवीन अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करके कर लेता है और अपनी नई दुल्हन को इस कमरे में लेकर आता है जहाँ शाफ्ट पर आरजू की लाश रखी हुई। नवीन के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान था और फिर उसी की निशानदेही पर पुलिस घर में छापेमारी करके आरजू की लाश को बरामद कर लेती है। इस घर से लगभग 100 से ज़्यादा परफ्यूम तथा रूम फ्रेशनर की बोतल भी बरामद की जाती हैं। ये सभी बोतलें पिछले 2-3 दिनों में ही घर में लाश की बदबू को छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इस पूरे खुलासे के बाद नवीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा पुलिस परिवार के अन्य लोगों को भी शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। इस पूरे मामले में खुलासे होने से पहले ही नवीन का पिता राजकुमार पुलिस की पकड़ से लापता हो जाता है। जांच में ये बात भी सामने आती है कि नवीन का पिता राजकुमार एक हत्या के केस में 2005 से ही तिहाड़ जेल में बंद था तथा वो 2 दिन पहले ही अपने बेटे की शादी में जेल से पैरोल लेकर बाहर आया था। पिता के अलावा इस पूरे मामले में नवीन के भाई जीजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाते हुए हिरासत में ले लिया जाता है तथा मामले की बेहतर जांच के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पूरे केस के खुलासे के बाद हर कोई तब और हैरान रह जाता है। तब पता चलता है कि एक तरफ आरजू बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी जबकि लड़का नवीन महज 10वीं पास था। इसके बावजूद उसने आरजू को अपने प्यार में फंसा लिया था। फिलहाल इस केस की बात करें तो आज भी आरोपी जेल में है जबकि आरजू का पूरा परिवार कभी ना मिटने वाले दर्द के साथ आज भी जी रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।